What does Islam mean? Believe in the existence and oneness of Allah? Believe in the existence of angels? Believe in the existence of books of which the God is the author? The Quran revealed to Muhammad, the Gospel revealed to Jesus, the Torah revealed to Moses, and the Psalms revealed to David. Assalamu alaikum guys, welcome to our channel Info Corner. Before I get started, please hit the bell icon. So viewers, आज मैं जिस टॉपिक पर आप सबसे बात करने जा रही हूँ, इट्स अबाउट इस्लाम एंड द टॉप 5 इस्लामिक मूवीज ऑफ द हिस्ट्री एंड रिसेंट टाइम्स। इस्लामोफोबिया के बारे में तो आप सभी जानते हैं, हमेशा से इस्लाम का इमेज ख़राब किए जाने के लिए बहुत सारे प्रोपेगेंडास किए गए। मीडिया पर ऐसा कंटेंट और मूवीज़ में मुस्लिम्स के ऐसे करेक्टर्स अभी तक दिखाए जाते हैं जो इस्लाम का इमेज ख़राब करने के लिए हैं। टेररिस्ट हमें बताया जाता है, रिबेलियस हमें बताया जाता है, और हमेशा इंडियन मूवीज़ के कंटेंट और इंडियन मूवीज़ में तो विलन हम ही को दिखाया जाता है, जो मूवीज़ उनकी ब्लॉकबस्टर्स जा रही होती हैं, और ये सारे प्रोपेगेंडास हैं। लेकिन गाइस, इसके साथ ही साथ ऐसे भी कंटेंट बनाए जाने लगे हैं जिसने ट्रू इमेज ऑफ इस्लाम को लोगों के सामने रिवील किया है। व्यूअर्स, वी ऑल नो दैट ओवर द इयर्स हॉलीवुड एंड द मुस्लिम वर्ल्ड हैव हैड सेवरल कॉम्प्लिकेशन अबाउट सर्टेन मूवीज दैट टर्निश द इमेज ऑफ मुस्लिम्स एंड इस्लाम। Unfortunately, there have been some positive depiction of Islam, and in this video, we will discuss the top 5 Islamic movies of the recent time. We have The Message on the number 1. This is the most influential Islamic movie of all time. The Message movie was produced twice, initially in English, then in Arabic, with a totally different cast. Where is the line? Where is the truth? But it hasn't been spoken yet. These are Arabs. Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority? God sent Muhammad as a mercy to mankind. You also don't get to see any depiction of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस पूरी मूवी में कहीं पर भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करेक्टर दिखाया नहीं गया, बिकॉज सच एन एक्ट इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। वी ऑल नो दिस। ऑल्दो जो प्रोडक्शन है इसकी, वो एज कम्पेयर टू अदर मूवीज बहुत लेस बजट पे गई है ये, बट स्टिल हमने इस मूवी को टॉप ऑफ द लिस्ट जो रखा है, उसकी मेन एक ही रीज़न है, एंड दैट इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। एंड द मूवी वी हैव ऑन द नंबर 2, दैट इज़ लाइन डेजर्ट। ये जो मूवी है लाइन डेजर्ट, इज अ सागा फीचरिंग अ लिबियन ट्राइबल लीडर उमर मुख्तार, हु फॉर द इटालियन आर्मी इन द वर्ल्ड वॉर 2। ये एक रिलीजियस टीचर थे बाय ट्रेड, हु मेंटेन्ड हिज इंटेग्रिटी, मॉरल डीलिंग्स, एंड स्टिल दिस फिल्म इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवीज इन द मिडिल ईस्ट। वी विन or we die. So the movie on number 3, that is American East. अमेरिकन ईस्ट एक ऐसी मूवी है जिसमें US में मौजूद मुसलमानों को पेश आए जाने वाले प्रॉब्लम्स पर नज़र डाली गई है, उनके बारे में बात की गई है, इसमें डिस्कस की गई है द वॉर बिटवीन अरब्स एंड जेविश अमेरिकन एसोसिएशंस, डिसिमिलैरिटीज बिटवीन अरब इमिग्रेंट्स देयर अमेरिकन बॉर्न चिल्ड्रंस। मूवी की स्टोरी इज रिटन एंड प्रोड्यूस बाय हिशाम इसावी एंड सैयद बद्रिया, हु प्लेज द फिल्म मेन करेक्टर। सो गाइज, येस, दिस इज़ द मूवी। And what we have on number 4, we have The Kite Runner. और अगर हम इस मूवी की बात करें तो दिस मूवी इज़ डायरेक्टेड बाय मार्क फोर्स्टर। काइट रनर इज़ द मूवी विच इज़ कम्प्लीटली अबाउट द टू फ्रेंड्स। थोड़ा सा इमोशनल टच भी है इसमें और बहुत अच्छा लेसन है, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। Our fifth and last selection is Malcolm X. ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया गया है बाई नन अदर देन स्पाइक ली, हु इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म डायरेक्टर्स इन द 90s।
स्पाइक जो थे इनका अपना वे ऑफ डायरेक्टिंग था, स्टार्टिंग में इनकी मूवीज़ मिनिएचर कॉमेडी ड्रामास के हवाले से थी, बट द मैलकॉम एक्स मूवी गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ लाइक अमेरिकन मुस्लिम्स. ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द ट्रबल्ड नेशन ऑफ इस्लाम टू हिज एक्सेप्टेंस ऑफ मेन स्ट्रीम ऑर्थोडॉक्स इस्लाम. इस फिल्म के बारे में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज सुनने में आती हैं. दिस फिल्म रेजेज क्वेश्चंस अबाउट द रेस एंड रिलीजन इन अ रेदर positive, more positive manner. I will not lie, cheat, or steal. I believe you. So guys, this is the end of our video. Hope you liked it. And yes, last but not the least, guys, please don't forget to subscribe our channel. Thank you and stay indoors.